भी जानते हैं कि गणपति जी को 10 दिन घर में विराजने के बाद उनकी खूबसूरत धूमधाम से विदाई की जाती है। आज हम लौटे हैं डुगरी लुधियाना में गणपति जी के विसर्जन की शोभा यात्रा के लिए, जहां शिव वाटिका और की ओर से यहां एक खूबसूरत पंडाल लगाया गया है, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत शोभा यात्रा के लिए कैसे और कितने समय से तैयारियाँ की हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, इतनी खूबसूरत शोभा यात्रा गणेश विसर्जन की जो आज निकाली जा रही है, इसकी तैयारियाँ आपने कब से शुरू की हुई हैं? इस शोभा यात्रा की तैयारियाँ डुगरी निवासी एक महीना पहले ही करना शुरू कर देते हैं। ये जो शोभा यात्रा है, ये माता वैष्णो देवी मंदिर से शुरू होकर डुगरी के विभिन्न रास्तों से होते हुए डुगरी नहर पर इसका आज विसर्जन होना है। बसंत एवेन्यू श्री राधा गोविंद महोत्सव कमेटी की ओर से, शिव वाटिका धाम की ओर से यहाँ गणपति महाराज जी को क्रेन के द्वारा 56 भोग लगवाया जाता है। तो सर, ये जो 56 भोग का एक आइडिया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था, हम कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, तो आपको इतना खूबसूरत आइडिया कहाँ से मिला? जनता के सहयोग से, जनता ने हमें गाइड किया, इसीलिए हमने क्रेन के द्वारा पिछले 7 साल से गणपति महाराज जी को क्रेन के साथ हम 56 भोग लगवाते हैं। जब गणपति जी का रथ हमारे स्टेज के सामने आता है, तो क्रेन के द्वारा जो यह है 56 भोग का रथ पर नीचे आ जाता है, गणपति महाराज जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, उसके बाद सारा 56 भोग आम जनता में वितरित किया जाता है। हमारे श्री राधा गोविंद महोत्सव कमेटी के सभी मेंबर, शिव वाटिका धाम के सभी मेंबर बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग लेते हैं। सर, ये जो गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये कितने सालों से आप लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं? पिछले 7 सालों से ये हमारी 7वीं शोभा यात्रा है, जो कि डुगरी आत्मनगर से शुरू होकर गणपति नहर पर इसका विसर्जन होता है। बड़े जोरों शोरों के साथ सब निवासी इसमें भागीदारी देते हैं। डुगरी नहर में जगह जगह पर गणपति महाराज जी के स्वागत के लिए अलग अलग तरह के भव्य मंच लगाए जाते हैं। बसंत एवेन्यू में, डुगरी निवासियों में, आत्मनगर में इस गणपति शोभा यात्रा को लेकर बहुत उत्साह रहता है। हमारी यहाँ बसंत एवेन्यू की पूरी टीम मौजूद है, सभी मेंबर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। गणपति महाराज जी को क्रेन के साथ 56 भोग लगवाया जाता है। तो सर, हम जैसे ये शोभा यात्रा देख रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट हमने देखने को मिलता है, इस बार क्या नया है? इस बार काफ़ी कुछ नया है, इस बार काफ़ी नए नए स्टॉल्स लगे हैं, नए नए इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले से जो है स्टॉल्स की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। हम गणपति शोभा यात्रा में हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे कि हर बार कुछ अलग से अलग नया हो, जिसमें डुगरी निवासी गणपति महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो ये जो 56 भोग क्रेन द्वारा लाया जाएगा, ये 56 भोग तैयार किसने करवाया है? ये 56 भोग हमारी बसंत एवेन्यू की पूरी टीम, हमारे बसंत एवेन्यू के मेंबर्स अनिल गुप्ता जी, पवन खन्ना जी, राकेश अग्रवाल जी, संजीव कक्कड़ जी, सुरेंद्र गोयल जी, अशोक अरोड़ा जी और बाकी सभी मेंबर, अशोक कंसल जी, सुरेश कंसल जी, ये सारी टीम मिलकर 56 भोग की तैयारी करती है। ये अलग अलग तरह की, हमने एक स्टैंड बनाया हुआ है, इसमें 56 तरह की अलग अलग तरह की मिठाई, नीचे इसमें हम एक ट्रे के ऊपर अलग अलग तरह की 56 तरह की मिठाई इसमें लगाते हैं। उसके बाद जब रथ हमारी स्टेज के सामने आता है, तो स्टैंड को नीचे रथ पर लाया जाता है। रथ के ऊपर स्टैंड जब रखने के बाद गणपति महाराज जी को 56 भोग लगाया जाता है। माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट वालों हमेशा की तरह अज गणपति उत्सव बड़ी श्रद्धा के उत्साह में मनाया जा रहा। अज संगतों के बच्चे इन्ना भारी इकट्ठ है, मौसम खराब के होने के बावजूद हज़ारों की गिणती में श्रद्धालु खड़े ने सड़कों पर अपने इष्टदेव को प्रणाम कर रहे। इस मुबारक मौके से बहुत बहुत बधाई देना। लोगों की श्रद्धा भावना पूरी है और असी स्टॉल विच कुल्फी वंडी है लोगों को, बिस्किट क्वालिटी वॉल्स की कुल्फी सी, ऑरेंज मैक्स बिस्किट सी, फ्रूट सी, और बड़ी खुशी होती है सब काम करते हुए, मन बड़ी तसल्ली मिलती है। इसको कोई टाइम लगा भी और नहीं भी लगा, जैसे टाइम का हमने प्लान किया था, लग रहा था कि हमको बहुत हम लेट हो जाएंगे, बहुत हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथियों का इतना सहयोग था कि हमको पता ही नहीं चला टाइम का। हमको लगा कि अब इतना और भी करना पड़ जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा परसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।